गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के केमिकल रिएक्शन में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आज हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और उनके बारे में और इसका स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको देखना है पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट नाम ही से जैसा हो रहा है, डिस्प्लेस मतलब हटाने वाला, विस्थापन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सच ए रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देख रहे हो जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उस रिएक्शन को लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सच ए रिएक्शन, सच ए रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाबू समझने में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है, कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में अधिक अभिक्रियाशील धातु, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी प्लस सी, मान लो ए बी सी में सी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ए या बी के रिस्पेक्ट में, तो ए हटेगा बनेगा बी सी प्लस ए, यानी सी अगर मोर रिएक्टिव हो ए बी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ये इनसे मिल जाते हैं, ए को रिप्लेस कर देता है, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसे ज्यादे मतलब मोर कॉन्सेप्ट लेने के लिए पहले आपको रिएक्टिव सीरीज जानना होगा, तब और भी आप बेहतर से समझ सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव है कौन, लेस रिएक्टिव है कौन। इसको जानने के लिए आपको मान लो कि Fe प्लस CuSO4 क्या बनेगा, Fe रिप्लेस करेगा Cu को तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। अब आप कहोगे क्यों रिप्लेस करेगा, कैसे मानेंगे कि यह रिप्लेस करेगा, इसको जानने के लिए आपको एक मिनट के लिए जानना होगा रिएक्टिविटी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, यानी वो जो मेटल का रिएक्टिव सीरीज होता है मेटल का, वो जान ले तो आपको पता ही चल जाएगा कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। तो देखिए रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल, मेटल का अभिक्रियाशील सीरीज क्या होता है, यानी रिएक्टिव सीरीज क्या होता है मेटल का, अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है मेटल का, वो होता है या तो एसेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेटल को जब हम अरेंज कर देते हैं, द अरेंजिंग ऑफ मेटल आइदर एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन ए सीरीज इज नोन एज रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल यानी मेटल का अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल आइदर एसेंडिंग आइदर एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी द अरेंजमेंट ऑफ मेटल आइदर एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए सीरीज, ऑफ ए सीरीज यानी किसका, मेटल का असेंडिंग या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीरीज में जब हम अरेंजमेंट कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए सीरीज इज नोन एज
रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिव सीरीज जो भी नाम है दोनों एक ही चीज है। रिएक्टिव सीरीज इज ऑल्सो नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, यानी मेटल में हायर रिएक्टिविटी और लोअर रिएक्टिविटी को द सीरीज इन विच एलिमेंट ऑफ एलिमेंट आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सच ए सीरीज इज नोन एज रिएक्टिव सीरीज। आप ऐसे भी कह सकते हो वैसी श्रेणी द सीरीज इन विच एलिमेंट इज अरेंज्ड आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ सीरीज सच ए सीरीज जिस श्रेणी में एलिमेंट को अरेंज करते या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता को रिएक्टिविटी सच ए सीरीज वैसे सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के सच ए सीरीज इज नोन एज रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल यानी मेटल का कौन सा सीरीज कहेंगे बेटा रिएक्टिव सीरीज के। यहां तक आपके समझ में आ रहे हैं अरेंजमेंट मेटल का जब करेंगे या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वह सीरीज ही रिएक्टिव सीरीज कहलाता या वैसा सीरीज जिसमें हम तत्वों के एलिमेंट का अरेंजमेंट या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में एक सीरीज के रूप में करते हैं उसे रिएक्टिव सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिव सीरीज में मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है लेस कौन है उसका एक हम सीरीज देख लेते हैं तब हमको किसी भी एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। आप जैसा कि जानते हो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल में पोटासियम होता है कि नहीं होता। करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी और उसके बाद है करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी एस्टेनस प्लम्बस इसके नाम को एस्टेनस प्लम्बस ही कहोगे एस्टेनस प्लम्बस फिर मिल गया उसे क्या एस्टेनस प्लम्बस है क्यों करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी उसके बाद क्या है क्यों कॉपर HG AG AU प्लेटिनम गाड़ी इसको याद रखने का आसान तरीका है करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी SNPB यानी स्टेनस प्लम्बस है कॉपर मरकरी AG और प्लेटिना गाड़ी क्यों हाजिरी है या हाईकोर्ट में आज है ओरम प्लेटिना की गाड़ी याद रखोगे करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी स्टेनस पर भी है क्यों हाईकोर्ट आज ओरम प्लेटिना गाड़ी याद रख जाओगे किस यहां पे पोटासियम के का क्या मतलब हुआ पोटासियम Na का मतलब हुआ सोडियम Ca का मतलब हुआ कैल्शियम देख रहे हो Mg का मतलब हुआ मैग्नीशियम Al का मतलब हुआ एल्यूमिनियम जिंक का मतलब हुआ Zn का मतलब हुआ जिंक आयरन का मतलब हुआ Fe स्टेनस का मतलब हुआ स्टेनस जो टीन को कहते प्लम्बस का मतलब हुआ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है
सबको पता है कॉपर कॉपर ही है। कॉपर क्या बेटे? कॉपर है ना, कॉपर कॉपर कॉपर। मरकरी मरकरी एजी सिल्वर सिल्वर का एजी। गोल्ड का है यो प्लेटिनियम का प्लेटिनियम। अब याद रखो करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी? करीना करीना ने क्यों मांगा? करीना ने क्यों मांगा अल्टो अल्टो जन जॉन फेरारी फेरारी फेरारी। करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी? स्टेनस स्टेनस प्लम्बस प्लम्बस हाइड्रोजन। क्यों करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी? स्टेनस प्लम्बस प्लम्बस जिसको पढ़ते हो प्लम्बस जिसको कि प्लेटिनियम प्लम्बस है प्लम्बस हाइड्रोजन। क्यों मरकरी आज उन्हें हुआ भारी? क्यों क्यों मरकरी क्यों मरकरी सिल्वर सिल्वर सोना प्लेटिना प्लेटिना गाड़ी। याद रख लोगे करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी? स्टेनस प्लम्बस हाइड्रोजन। क्योंकि मरकरी सिल्वर सोना प्लेटिना भारी प्लेटिना गाड़ी। इससे याद रख सकते हो करीना ने जब उसको मांगा अल्टो जॉन फेरारी स्टेनस प्लम्बस हाइड्रोजन क्योंकि मरकरी सिल्वर सोना प्लेटिना गाड़ी। उसके पास पहले से सिल्वर है सोना है प्लेटिना की गाड़ी है तो क्यों मांगेगा उससे अल्टो जॉन फेरारी। ये इस ट्रिक से याद रख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज को। अब देख रहे हो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब यहां से कोई भी एलिमेंट उठाओ मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव को हटा देगा। अब आपको जल्दी समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। मान के चलो एने लिए एने लिए प्लस MgSO4 ली। अब देखो मोर रिएक्टिव कौन है? Na सबसे पोटासियम पावरफुल से सोडियम आइसे चिंदे दो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर जो सबसे नीचे है सबसे कम पावर का ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव की बात करें तो पोटासियम कुछ बुक में पोटासियम के बदले सोडियम भी डाल रखा कुछ ने लिथियम भी डाल रखा। हम तो कहेंगे यही सीरीज रखी याद या दोनों एनसीईआरटी को जो फॉलो कर रहा है सही याद रखें। प्लेटिनियम को सबसे नीचे रखा गया लेस रिएक्टिव सोना से भी कम रिएक्टिव होता है यानी सोना से भी ज्यादा महंगा होगा प्लेटिनियम प्लेटिनियम। सोडियम MgSO4 सोडियम मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम को भगा देगा तो रिएक्शन बनेगा Na2SO4+Mg। अब देख रहे हो अगर Na हो उससे नीचे कोई भी ले लेते हैं CaSO4 CaCl2 तो NaCl2 NaCl2 NaCl+Ca। देख रहे हो Na लो या Mg लो उससे नीचे कोई ले लो इधर गले में ZnSO4 ZnSO4 मोर रिएक्टिव Mg है Zn को भगा देगा तो बनेगा MgSO4+Zn। अब कोई भी एक सौ एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है कुछ भी ले सकते हो। मान लो Na ले लो प्लस HCl ले लो तो NaCl+H2 बन जा रहा है। अगर हम लेते हैं Mg+H2SO4 देखो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन ठीक मोर रिएक्टिव एलिमेंट तो प्लम्बस और हाइड्रोजन से ठीक कम रिएक्टिव तो कॉपर होता है ये आप जरूर याद रखोगे। तो Mg+H2SO4 Mg ज्यादा रिएक्टिव है किससे H2 से किसको भगा देगा H2 को
मैग्नीशियम गया हाइड्रोजन पार, चूंकि डीएम गया तो वीडियो कैपेसिटी नहीं उसके सामने बैठने का, तो डीएम जाएगा वीडियो अपने रिप्लेस हो जाएगा, एमजी बनेगा एसओ फोर प्लस स्टोन। क्या कह रहे हैं आप समझिए कि जिस एलिमेंट में फॉर रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा हटा दे रहा, वो तमाम रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप कौन कौन होते हैं, उसे भी आप देखिए टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी कौन कौन टाइप हो रहा है उसको भी हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर टू टाइप्स, आप जरूर याद रखोगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो सिंगल डिस्प्लेस करेगा या डबल डिस्प्लेस होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे आइडिया से आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा दे उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेस, डिस्प्लेस माने विस्थापन, हटाना रिमूव करना और इसे मिटा देना, शायद समझ गए होंगे। एक बार याद और कर लो, करीना ने क्यों मांगा हाइड्रोजन फेरारी, एस्टेनस कोलंबस हाइड्रोजन क्योंकि मरकरी सिल्वर सोना प्लेटिना गाड़ी, तो उसको मरकरी है सिल्वर, करीना क्यों मांगता है हाइड्रोजन फेरारी क्योंकि उसके पास पहले ही से स्टेनस है प्लम्बस है हाइड्रोजन है, तो वह कह रहा क्योंकि मरकरी सिल्वर सोना प्लेटिना गाड़ी ऐसा चीज पहले से, तो उससे बड़ा चीज करीना मांग रहा है अल्टो, समझ रहे हो ना, इसीलिए इसको याद रखोगे करीना ने जो मांगा अल्टो जन फेरारी स्टेनस प्लम्बस हाइड्रोजन क्योंकि मरकरी सिल्वर सोना प्लेटिना गाड़ी उसको पहले से है। आप याद रखने का आसान ट्रिक है, मस्ट रिमेम्बर इन योर माइंड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब देखते हैं वो जो पढ़ने वाले हम लोग हैं वो क्या है अपने लोग का, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लिख लो ना टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, और या तो सिंगल टाइप्स डिस्प्लेस करेंगे या डबल टाइप्स, है ना। तो चलो पहला देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेरे एक चीज ध्यान दो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था या डबल डिस्प्लेसमेंट होता था तो क्या अंतर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे को होगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे को? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें केवल एक एलिमेंट को रिप्लेस किया जाता है, सिंगल मेटल एनायनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या करते हैं वो रिएक्ट करते हैं उसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ओनली वन एलिमेंट इज रिप्लेस, सच ए रिएक्शन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बातें समझ में आ रही क्या होता है, या आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में हो या जो भी फॉर्म में हो लेकिन रिप्लेस करेगा केवल एक को, उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखना लो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या आप किसे कहोगे, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस सिंगल यानी ओनली वन लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पहले ही पता चला डिस्प्लेस में हटा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच जिसमें अ सिंगल एलिमेंट, इन विच ए सिंगल एलिमेंट रिप्लेस या रिमूव, रिप्लेस को या रिमूव,
रिएक्शन इन विच सिंगल एलिमेंट रिप्लेस ए कंपाउंड एलिमेंट रिप्लेस इन अदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के केवल एक एलिमेंट को हटाते हैं, यानी जिस रिएक्शन में द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच सिंगल एलिमेंट रिप्लेस इन अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के किसी कंपाउंड में से हटाते हैं अदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज नोन एज, उसे आप किस नाम से जानते हो, उसे कहते हैं नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे क्या कहते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझ में आ रहा, जिस रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट रिप्लेस होता है, रिमूव होता है इन अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड, जिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट रिप्लेस होगा यानी एक एलिमेंट केवल हटेगा इन अदर एलिमेंट से किसी कंपाउंड में से, कंपाउंड दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड होगा, कंपाउंड के ऐसा कंपाउंड ये आयनिक कंपाउंड है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एक एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल हम अभी से पहले ले चुके थे ऑल आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा रिएक्शन था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए Na था प्लस MgSO4 से लिए थे, बताओ देखो MgSO4 क्या कंपाउंड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच सिंगल एलिमेंट रिप्लेस रिमूव इन अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के किसी कंपाउंड से, यानी कंपाउंड है Na जाएगा Mg को रिप्लेस करेगा, Na मिलेगा SO4 से, क्या बनेगा बताओ Na पे कितने प्लस होते हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसा कि तुम जानते हो Na पे एक पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट एट मन कैट, कैट मन बिल्ली, बिल्ली को दो आंख दो माइनस, एक का दो, एक का एक, एक का दो, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज तो Na2SO4 बना। सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है, सल्फेट पे डबल माइनस होता है, जबकि एनजी पे भी डबल, तो Na गया इसके पास तो बनाया कंपाउंड Na2SO4। Mg बेचारे बचे अकाले, जाओ मिले खाओ केले, यानी एमजे जाएगा मिला खाएगा, जो भी खाना उसको खाने दो, ये सॉलिड होगा तो एक सोल्यूशन होगा, होगा कि नहीं होगा, और उससे बना सल्फेट बनेगा। दूसरा लो, मान लेते हैं Ca+H2SO4 या HCl ले लो, उससे Ca जाएगा Cl2 के पास, Ca पे डबल प्लस, Cl पे एक माइनस होता है, Ca पे डबल प्लस, Cl पे एक माइनस, दो एक कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज CaCl2, तो बनेगा क्या CaCl2+ZN। ये बाबू क्या है मेरा, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या चीज है ये हम बाद में आपको बताने वाले हैं, इसलिए भी उस पर जैसे जिक्र नहीं चल रहा है, वो प्रीसिपिटेशन बना देगा। तीसरा ले लो Mg+H2SO4 या HCl, तो क्या बनाएगा Mg जाएगा डबल प्लस, Cl पे डबल माइनस, बनेगा MgCl2+H2। देख रहे हो मोर रिएक्टिव क्या करता है, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट रिमूव कर देता है इन अदर एलिमेंट को, किससे कंपाउंड से, कंपाउंड से भगा दे रहे हैं ना, ये सभी रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद मेरे समझ से आप समझ गए होंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं, वो एक होता है कैटायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा एनायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दोनों का टाइप देख लेते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझना। पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट
लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता था वो मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज समझना था, उसे भी देखिए। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते थे कितने टाइप्स के, दो टाइप्स का, एक का नाम था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरे का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन, इनकी कैटेगरी वाइज देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन कौन टाइप होता है। एक होता है केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा होता है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दोनों का टाइप देखते हैं, केटायन डिस्प्लेसमेंट और एनायन डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है, इस दोनों को कैटेगरी वाइज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट का पहला टाइप है केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरे का नाम है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केटायन, दूसरे का नाम है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले केटायन मतलब नाम से जैसा कि पता चल रहा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और वैसे रिएक्शन को अगर डिस्प्लेस करते हैं तो वो हमारा केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता। तो क्यों ना देखें केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफाइन। केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसके चर्चा हम करते हैं आपको। केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और दूसरा जो होने वाला है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला था। पहली बात केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, जिस फॉर्मेट रिएक्शन में मेटल का ऑक्साइड किसी दूसरे मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं उसे हम केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको जो रिएक्शन ऑक्साइड के साथ होगा वह जब रिप्लेस होता है उसे हम कहते हैं केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऐसे कहिए द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा मेटल का ऑक्साइड, द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड रिप्लेस बाय अनदर मेटल, सच ए रिएक्शन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेस केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच ए रिएक्शन is known as केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज नोन एज केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझने की बारी है केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो बाबू ध्यान से सुन। जिस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल का ऑक्साइड रिप्लेस होगा किसी दूसरे मेटल से, वैसे रिएक्शन को हम केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते। मान लीजिए आयरन पे दो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव, कभी थ्री भी नेगेटिव होता है, तो Fe2O3 जब फेरस फेरिक फॉर्म में हो, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में हो, तो दो तीन और दो का रिएक्शन बन के बनाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो देखो केटायन डिस्प्लेसमेंट का जहां तक हम सवाल कर रहे हैं वैसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें मेटल का ऑक्साइड, या मेटल आयरन है तो ये एग्जाम्पल आयरन का ऑक्साइड ले लेते हैं Fe2O3। इसको हम रिप्लेस करना है किससे, मेटल ऑक्साइड रिप्लेस बाय अनदर मेटल, कोई भी आप मेटल ले लीजिए फेरस से बड़ा। अभी तक हमने देखी थी ठीक है, करीना ने क्यों मांगा अल्टो जॉन फेरारी, फिर भी उसे क्यों मिल गया प्लेटिना गाड़ी। इस ट्रिक से हम याद रखे थे तो देख रहे थे फेरस से ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन है, जड़ है, किसी एक को ले लेते हैं, एल्यूमिनियम भी, सोडियम भी, पोटासियम भी, लो एल्यूमिनियम को,
अब आप रिएक्शन करो, Fe2O3 प्लस एयर पे तीन पॉजिटिव चार्ज होता है, बताओ एयर पे तीन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे कितने माइनस है, डबल माइनस है, क्या बनने वाला 3O2 यानी Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, Al3O3 प्लस Fe। ये रिएक्शन क्या है, टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को गए, क्यों डिस्प्लेस तो हो रहा, सिंगल एलिमेंट ही रिप्लेस हो रहा, लेकिन इसके साथ साथ मेटल का ऑक्साइड भी है। दूसरा रिएक्शन लो मेटल के ऑक्साइड से, Zn का ऑक्साइड ले लो Zn2O3, या Fe से भी Al2O3 ले लो, एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड ले लो, इससे मोर रिएक्टिव कोई एलिमेंट ले लो, या तो सोडियम ले लेते हैं, पहले सोडियम को लिखो ज्यादा समझ में आएगा, Na प्लस लेस रिएक्टिव में से Al2O3 की बारी। अब एक चीज ध्यान से देखो, सोडियम Al2O3 को रिप्लेस करेगा, सोडियम जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास, सोडियम का दोस्ती ऑक्सीजन से लगाओगे क्या होगा, Na2O3, यानी ऑक्सीजन पे दो माइनस, सोडियम पे एक प्लस होता है, ऑक्सीजन पे डबल माइनस होता है, जो रिएक्शन बनेगा सोडियम का ऑक्साइड बनेगा Na2O, और एल्यूमिनियम पे चार रिप्लेस हो जाए। आप देख रहे हो जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट रेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर रहा होगा, तमाम रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केटायन डिस्प्लेसमेंट। और कोई एग्जांपल लो, Mg करीना ने क्यों मांगा अल्टोज और फेरारी, अगर मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेते हो, इससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना, चूंकि MgO जो है ये मोर रिएक्टिव, इससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लो, सोडियम ले लो, के ले लो, के के पास जाएगा तो मोर रिएक्टिव के है, क्या बनेगा K2O+Mg। हम देख रहे हैं जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे रहा है, वो तमाम रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में एनायन मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें हम एक मेटल दूसरे मेटल के किसी कंपाउंड को केवल और केवल रिप्लेस करने का काम करता है, वो होता है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और एग्जांपल अगर जानना, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं, तो तमाम रिएक्शन केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। या वैसे भी कह सकते हैं जिस रिएक्शन में मेटल दूसरे मेटल के कंपाउंड को केवल और केवल रिप्लेस करते हैं, वो सभी भी केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सपोज करिए सोडियम है या Mg है, Na मोर रिएक्टिव है, क्योंकि हम जानते हैं करीना ने क्यों मांगा अल्टोज और फेरारी, तो सोडियम लिया हम, MgSO4 ले लिया। ऐसे रिएक्शन को अगर आपको पूछे कि बताओ कैसे रिएक्शन है, तो आप क्या डिसाइड करो, चूंकि हम जानते हैं सोडियम पे एक प्लस, Mg पे डबल प्लस, सल्फेट पे डबल माइनस, सोडियम पे एक प्लस, ये सोडियम बेचारे सल्फेट के पास आएंगे तो बनेगा NaSO4 की Na2SO4 और Mg। ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। किस रिएक्शन के एग्जाम्पल है, केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब दूसरा केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली जो रिएक्शन हो रहा था जिसमें मेटल के ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहां उसके ऑक्साइड नहीं भी हो, सल्फाइड फॉर्म में भी हो तो रिएक्शन होगा, लेकिन जितना ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड नहीं है, भले ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं। इस रिएक्शन को अगर आप कैटेगरी वाइज करने के, आप कहोगे केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन केमिस्ट्री के तौर पे ऑक्साइड के मेटल नहीं होने के चलते आप इसको केटायन डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल अगर देते हो तो केमिस्ट्री के तौर पे ये गलती कहलाएगा। क्यों, इसीलिए एग्जांपल यहां डाला गया ताकि आपको याद रहे इसका ऑक्साइड फॉर्म लेते हैं। मान लो MgCO3 लेते हैं ये कार्बोनेट का फॉर्म, तब भी गलती होगा, केवल और केवल इसका ऑक्साइड फॉर्म ही सही होता है, चूंकि ये कार्बोनेट ऑक्साइड का तीसरा फॉर्म हो जाता है, ये भी एग्जांपल अगर लेते हो तो ये गलती होगा। अब चलते हैं केटायन के बाद एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात रही कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बताए थे जिसमें मोर रिएक्टिव लेस को रिमूव करें, लेकिन डबल नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें क्या करते हैं किसी एलिमेंट का मेटल दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है, वह कहलाता है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही साथ वह जो रिप्लेस करने वाला एलिमेंट है वह एनायन होना चाहिए, ना कि धन आयन बल्कि ऋण आयन का एलिमेंट होना चाहिए, वह डिस्प्लेसमेंट करे उसे हम एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब यहां पे केटायन के फॉर्म में था लेकिन ऑक्साइड नहीं था, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट में एना केटायन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तब भी सही माना जाएगा। एनायन तो कह ही नहीं सकते हो, केटायन का ये कैटेगरी वाइज है, तो इसे आप सीधा सीधे डिस्प्लेसमेंट कहें या एनायन में डिस्प्लेसमेंट कह नहीं सकते हो, लेकिन एनायन डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हम कैटेगरी करते हैं। अब आपको हम दोनों के एग्जांपल के बाद क्लासिफाई करने देंगे कि कौन केटायन है कौन एनायन है, तो और भी ज्यादा बेहतर से समझोगे। एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच जिसमें इन विच ए सिंगल एलिमेंट, ए सिंगल एनायन एलिमेंट यानी बेस रेडिकल एलिमेंट, इन विच ए सिंगल बेसिक एसिड बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल यानी नेगेटिव एलिमेंट जो होंगे, द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच सिंगल यानी एसिड रेडिकल एलिमेंट, यानी सिंगल एसिड रेडिकल एलिमेंट मतलब एनायन का जो एलिमेंट होगा विच रिप्लेस रिप्लेस एन अदर कंपाउंड, जो हटा देते हैं दूसरे कंपाउंड को, तो द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच सिंगल एसिडिटिकल मतलब एनायन निगेटिव चार्ज का जो भी एलिमेंट है वो रिप्लेस करेगा एन अदर कंपाउंड इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन वैसे रिएक्शन को सच ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सच ए रिएक्शन इज नोन एज एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच ए रिएक्शन इज नोन एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज यहां समझना है आपको कि हम कह रहे थे इस रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए, डबल नहीं, क्योंकि कंपाउंड कंपाउंड को चेंज नहीं करना चाहिए, कोई एलिमेंट ही दूसरे को रिमूव करना चाहिए, वैसे कंपाउंड के रिएक्शन को हम एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक क्लोरीन है, हम क्लोरीन के भी रिएक्टिविटी को याद करते हैं, जानते नहीं है फट से कॉल करो वरना आ जाएगी एंटी, वरना आ जाएगी एंटी में हम जानते हैं फ्लोराइड एक नंबर में, तब फ्लोराइड फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन फिर एंटोनर मोनोहाइड का एलिमेंट होता है। अगर क्लोरीन हो और उसके साथ NaBr लेते हैं, NaBr लेते हैं, Br2 नहीं होगा क्योंकि सोडियम पे एक प्लस Br पे एक माइनस होता। अब यहां ध्यान दोगे क्या कहते हैं, जैसा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट किसी भी कंपाउंड को रिमूव करे, लेकिन वह सिंगल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, एसिड रेडिकल का होना चाहिए, मतलब रीन आयन वाला, क्लोरीन है ना रीन आयन के, सोडियम है ना पॉजिटिव के, ये क्लोरीन बेचारे सोडियम के पास क्लोरीन से नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये गया ये बनाएगा कौन सा कंपाउंड बनेगा NaCl, ब्रोमीन बेचारा बसे अकेला जाओ मिला खाओ के ना, और सोडियम का ऐसे रिएक्शन को हम एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फिर लो कोई एक एग्जांपल डालो जो इससे रिएक्शन करे, मान के चलो ZN है प्लस C2SO4 है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, ZN प्लस C2SO4। अब यहां बताओ एनायन तो है नहीं, है केटायन, हम ऊपर ही चर्चा किए थे, ऐसे रिएक्शन को काट के बताए थे कि ये
सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कैटायन नहीं है, या है कैटायन होते हुए भी यहां ZN पे पॉजिटिव चार्ज है, पर ये रिएक्शन जो है ऑक्साइड के साथ नहीं हो रहा है, इसीलिए यह कैटायन होते हुए भी एनायन डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में आता। यहां समझने में थोड़े परेशानी होंगे कि ZN पे है पॉजिटिव, हमने तो कहा था सिंगल एसिड रेडिकल एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे एसिड नहीं होकर के बेस रेडिकल है, फिर भी ऑक्साइड तो नहीं है, इसीलिए एनायन डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल होंगे। तब ZnCuSO4 में ZN को Cu से मिलाओगे तो बनेगा ZnSO4+Cu, और आप ये देख रहे हो ये भी एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। आप कोई भी रिएक्शन एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में डाल सकते हो, फ्लोरीन का लो, क्लोरीन का लो, या ब्रोमीन का आप एग्जाम्पल डालें, NaBr के साथ साथ अगर F से डालते हो फ्लोराइड के साथ F2+NaBr2 या NaCl2, F से नीचे ही है Cl आप डाल सकते हो, सोडियम बेचाला फ्लोराइड से मिलेगा Na, F बनेगा सोडियम फ्लोराइड प्लस अकेले बचेंगे सोडियम अकेले रहेंगे, ठीक। F ही गया ना, F से मिला क्लोरीन अकेले बच रहा था। अब कोई भी रिएक्शन इस तरह डाल, अब मेरे ख्याल से आप एनायन डिस्प्लेसमेंट और कैटायन डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ, कैटायन डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि केवल पॉजिटिव चार्ज का होगा, कोई भी मेटल की ऑक्साइड अगर किसी कंपाउंड से रिएक्शन करे तब जो बनाता है प्रोडक्ट तो वो होता है कैटायन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एनायन वैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल एसिड रेडिकल एलिमेंट रिप्लेस कर दे किसी रिएक्शन में एनदर कंपाउंड को, कभी जरूरी नहीं कि नेसेसरी 100% एसिड रेडिकल ही होंगे, कहीं कहीं अगर कैटायन भी हो लेकिन वह ऑक्साइड के साथ नहीं मिला हो तो वह भी एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे तो क्लास 10th के कैटेगरी से केवल आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा टाइप। तो रहने दो आज क्लास में इतना ही करते हैं, अगले क्लास में पुनः हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइप के बारे में।